अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा अचानक प्रोग्राम बना है, टाली वाले समोसों खाने जा रहे हैं और चलते हैं, चेक करते हैं आखिर क्या है उनके समोसों में ऐसा टेस्ट के लोग जो दूर दूर से खाने आते हैं। चल रहे हैं अभी और जाके इंशाल्लाह चेक करेंगे और आपको रास्ता विजिट भी करवाते हैं कि कौन सा सफ़र कैसे करना है, इंशाल्लाह ये आपको दिखाते हैं। अगर इस रोड के ऊपर दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि अभी हम पहले आपसे बात हुई बताया, जो यूनिवर्सिटी फुकाड़ा है वो 2015 में बनी है और अभी तक इसमें जो है लातदाद एडमिशन हो चुके हैं, तकरीबन 18 से 20,000 के करीब इसमें जो स्टूडेंट है वो इनरोल हैं और यहाँ पे जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। जाहिर सी बात है अगर हम एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो वो बहुत अच्छी है इनकी और जो रैंकिंग में इसने अपना एक नाम बनाना शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब ओकाड़ा को ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। अभी जो हमारे सामने है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ चुकी है, जैसा कि ये सब कैंपस है ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का और यहाँ पर जो ओकाड़ा में ये इनका काफ़ी बड़े रकबे के ऊपर ये बनाई गई है और यहाँ पर अगर हम एडमिशन की बात करें तो पिछले साल की निस्बत जो है इस साल 60% जो एडमिशन ज़्यादा हुए हैं, उसकी वजह यही है कि ओकाड़ा को एजुकेशन के हवाले से एक अपना नाम बनाना शुरू कर दिया है। अगर और ये जो एग्रीकल्चर है यूनिवर्सिटी 2019 में यहाँ पे जो मेन इसके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, बिल्डिंग तो काफ़ी देर पहले से यहाँ पे बनना शुरू हो गई थी। और ये जो कैनाल रोड है अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करें तो दोनों साइड में दरख्त होने की वजह से इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और गर्मियों में अगर स्पेशली हम बात करें तो नहर की वजह से काफ़ी खूबसूरत होता है। इसके साथ साथ अगर हम नहर में मछलियों की बात करें तो इस नहर में काफ़ी किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं जिनमें दो तीन किस्म की ज़्यादा मछली होती है और अक्सर लोग जो हैं जुमे को या जुमे रात को अपने कामों से फारिग होने के बाद यहाँ पर कांटे के जरिए या जाल लगा के मछली पकड़ते हैं, किनारों पे बैठ जाते हैं और वो कांटे के जरिए मछली पकड़ते हैं जो कि एक आउटिंग का भी सबब बनता है। अगर इसके अलावा एक जो मेन जो चीज़ है मैं आपको वो इसके सामने आप लोगों के सामने लाता हूँ, इसी रोड के ऊपर तकरीबन 28 एकड़ के करीब जो रकबा है वो चिड़ियाघर के लिए मुख्तस कर दिया गया और वो रकबा कितनी देर से मुख्तस हुआ है काफ़ी अर्सा हो गया और अभी तक जो है वो रकबा बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, ना ही वहाँ पर कोई चिड़िया लाएगी ना ही उसका आशियाना बसाया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम इंतजामिया की बात करें तो सबका यही है कि हम ऐसे कर लें वैसे कर लें, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें यहाँ आने वाले दिनों में फ्यूचर में ओकाड़ा का नाम बनाने की कोई बात करें तो लोग उसको मजाक समझते कहते हैं ये पहले ने किया तो हम क्यों करें, तो अगर किसी ने नहीं किया तो कौन करेगा, खुद से तो हो नहीं जाएगा, जिन्नात आगे तो करेंगे नहीं उसको। अगर हम बात करें दोस्तों की यूनिवर्सिटी के जो दोस्त हैं सारे ही मतलबी हैं और जो ये दो हमारे सामने जा रहे हैं ये भी ऐसे ही है, ये उन्हीं की एक किस्म है, इनमें भी पाई जाती है, इनके कीड़े जो बाज़ घास हो जाते हैं बाज़ घास जाग जाते हैं, इनको पता नहीं किस किस्म के कीड़े हैं। वो एरिया जो 28 एकड़ के करीब एरिया है चिड़ियाघर के लिए और इसी जगह पे जो है चिड़ियाघर बनाना है, पता नहीं कब बनता है, कब हम देखते भी हैं कि नहीं देखते, किसी को कुछ पता नहीं है। इतनी वीरान जगह अगर ओकाड़ा में चिड़ियाघर बन जाता है तो जाहिर सी बात है ओकाड़ा की शान शौकत दुबाला हो जाएगी, इसके साथ साथ बहुत से लोगों का जो है रोज़गार लग जाएगा, जाहिर सी बात है किसी के चूल्हे जलेंगे कोई खाएगा। सिकंदर रोड पर और यहाँ से भी जो है हम सीधा नहर के साथ साथ ही जाएंगे, यूनिवर्सिटी से सीधे आ रहे थे जी ठीक। सिकंदर रोड यहाँ पे ये इतनी प्यारी नर्सरी है, देखें ज़रा बाहर आने वाली है और फूल खिल रहे हैं। साया भी जब साथ छोड़ जाए ऐसी है तना, दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी पे भरोसा मत, क्योंकि जब भरोसा टूटता है अंदर से इंसान टूट जाता है। क्यों दानिश ऐसे ही ना, दिल लगाने की सजा।
जाओ तो हमेशा ना अच्छे लोगों को साथ लेके जाओ। साथ साथ आए तो इस साइड से आना है और यहाँ से हमें इधर सीधे जाना है मियाँ पार्क के साथ साथ। ये ऐसे 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 ठीक है, ये मियाँ पार्क आ गया यहाँ पे, इसके साथ साथ जाएंगे हम लोग अभी। अस्सलाम वालेकुम, ये टाली वाले समोसे यही हैं जो मशहूर हैं। आप ऐसे बैठे नहीं, नहीं बाहर बैठे हैं। ये पहली बार आया है। पकड़ ये भी पकड़। अभी हम जो है ये समोसे खा चुके हैं, अभी पूछते हैं अंकल से कि ऐसी क्या खास बात है कि लोग दूर दूर से खाने और ये टाली वाले समोसे ही क्यों कहते हैं इनको। आइए अंकल से पूछते हैं। अंकल जी, इन समोसों में खास बात क्या है कि ये इतने मशहूर हैं? अच्छा, टाली वाले समोसे क्यों कहते हैं? कितनी देर पहले मतलब खानदान ही कम है? कितने साल हो गए थानू इतने काम कर रहे हैं? बहुत चेर मतलब कितने दे? छोटे होंगे तुझे इतने आगे पहले तेरे वाले साहब काम करते थे? पहले वाले साहब अगे उन्होंने वाले काम करते थे कि उन्होंने स्टार्ट किया? अच्छा वाले ने स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा ठीक हो गए। तो यह छोटी जी टाली की वजह तो यह मशहूर है, इतने वही टाली हो। अच्छा अच्छा, होर ते को खास खास की चीज़ होगी? लड्डू मियाँ ने गुलाब जामुन ने बर्फी भी हैगी। अच्छा, यह सारा कुछ करे तुम खुद त्यार कर? चलो ठीक है, मेहरबानी।